नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डी एस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी एस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटिका। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट। दोस्तों, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, ठीक है, चाहे आप प्री का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो। इसके अलावा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, PSC हो, PCS हो, रेलवे हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं, ठीक है, कि जो मौलिक अधिकार है वह हमारे भारतीय संविधान के, ठीक है, कौन से पार्ट में स्थित हैं या फिर किन किन अनुच्छेदों में इसका जिक्र है, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3, ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में, ठीक है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों, भाग तो नहीं ले, आर्टिकल जरूर पूछ लिया जाता है कि जो मौलिक अधिकार का जिक्र है वो कहाँ किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, तो 12 से 35 में। इसके बाद दोस्तों इसका सोर्स देख लेते हैं। तो जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है, या USA या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो संविधान था, लिखित संविधान, वो USA का था, ठीक है, और उस संविधान में मौलिक अधिकार का भी जिक्र किया गया था, ठीक है, तो हमने USA से मौलिक अधिकार को लिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम मौलिक अधिकार की थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी हैं, तथा इसके बिना व्यक्ति के जीवन का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तथा सरकार इन अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ दोस्तों, ठीक है, अब कल के दिन सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है, ठीक है, जैसा हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक आर्टिकल है जिसमें हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। तो कल के दिन सरकार या फिर संसद कोई ऐसा कानून लाती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो यह बोलती है कि आज से कोई व्यापार नहीं करेगा, ठीक है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ठीक है। और जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, इसे न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति है, ठीक है, तो यह अपनी शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा बनाया गया इस कानून को शून्य घोषित कर देगी, ठीक है दोस्तों। तो संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो हमारे मौलिक अधिकारों को ब्रेक करे या फिर हमसे छीने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे संविधान में टोटल, जब मूल रूप से बना था हमारा संविधान, ठीक है, तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, ठीक है, और इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया, ठीक है, और इसे आर्टिकल 300A में कानूनी रूप से दर्जा दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अभी वर्तमान में 6 हैं, ठीक है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A में रख दिया गया है। अब ये क्यों हटाया गया दोस्तों, इसे हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे एक वीडियो में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यदि हम इसे डिटेल में समझेंगे तो। इसके बाद दोस्तों आगे है, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो हम मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये आए कहाँ से या फिर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो दोस्तों 1215 के टाइम पे, 1215 में इंग्लैंड में, 1215 के टाइम पे इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति होती है, ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है। तो इस क्रांति के पश्चात, ठीक है, इस क्रांति के पश्चात जो दोस्तों वहाँ के इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन, ठीक है, ब्रिटेन के राजा थे, तो इन्होंने ब्रिटेन के जो नागरिक थे उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए, ठीक है, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया, इन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया, और यहीं से मौलिक अधिकार की एक शुरुआत हमें देखने को मिलती है, ठीक है, 1215 के ये जो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा 1789 में, ठीक है, USA का संविधान बना, ठीक है, USA का संविधान बना, और वहाँ पे भी मौलिक अधिकार देखने को मिले।
ठीक है, तो यहाँ से हमें मौलिक अधिकार की शुरुआत देखने को मिलती है या फिर जिक्र देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आगे है, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उसमें पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, इसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 में बताया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 22, आर्टिकल 19 से लेके 22। इसके बाद दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो दोस्तों इसे बताया गया है 23 से आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे दोस्तों 25 से 28 तक बताया गया है। इसके बाद दोस्तों है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, इसे 29 और 30 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे आर्टिकल 32 में बताया गया है। इसके अलावा जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था उसे आर्टिकल 31 में रखा गया था, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है, 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा से समाप्त कर दिया गया। तो ये मुख्यतः 6 अभी वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, परंतु दोस्तों देखिए, पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, ये 14 से 18 है। ठीक है, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो आर्टिकल 12 और 13 हैं इसे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो इनका भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल, तो दोस्तों पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। तो दोस्तों पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 या फिर आर्टिकल 12, ठीक है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य को परिभाषित किया गया है। अब दोस्तों ये राज्य है जो, ठीक है, इस राज्य का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे वर्तमान में स्टेट हैं, ठीक है, राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राज्य का मतलब ये नहीं है। ठीक है, राज्य का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ जो आर्टिकल 12 में परिभाषा है, ठीक है, राज्य की, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो राज्य है, ठीक है, ये आगे जब हम अध्ययन करेंगे, चाहे मौलिक अधिकार हो या आगे भी, इसका जिक्र बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। ठीक है, इसकी मीनिंग वही होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक है, तो इसकी राज्य का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों राज्य का मतलब क्या है, एक तो हमारी केंद्र सरकार हो गई या फिर संसद हो गई, विधायिका राज्य या फिर केंद्र सरकार हम बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्यों में होती है राज्यों की विधायिका, ठीक है, राज्यों की विधायिका हो गई, राज्य सरकार हो गई। ठीक है दोस्तों, मतलब ये संसद हो गई, ये विधानमंडल हो गई। ठीक है, विधानमंडल। इसके अलावा दोस्तों जो स्थानीय निकाय वगैरह होते हैं, ठीक है, स्थानीय निकाय वगैरह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब राज्य से मतलब क्या होगा, केंद्र सरकार भी होगा उसका मतलब संसद भी होगा उसकी मीनिंग। ठीक है, राज्य का मतलब राज्यों में जो विधानमंडल है, ठीक है, वो भी होगा उसका मतलब। इसके अलावा स्थानीय निकाय वगैरह, ये भी होगा राज्य का मतलब। ठीक है, तो ये होगी आर्टिकल 12। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 13 में दोस्तों मूल अधिकारों से असंगत या फिर उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि ऐसी विधियाँ जो मूल अधिकारों को कम करती हैं। ठीक है, तो उनका जिक्र किया, तो हम वो देख लेते हैं। 1(13)(2) में दिया गया है न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनः अवलोकन, अब ये न्यायिक पुनः अवलोकन, आप लोगों ने यदि पहले पढ़ा है संविधान तो आपको पता होगा न्यायिक पुनः अवलोकन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट है राज्यों में,
ठीक है, उनको यह शक्ति दी गई है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। यदि संसद या राज्य की विधानमंडल वगैरह भी कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों को ब्रेक करता है या फिर हमारे मूल स्ट्रक्चर को, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ठीक है, तो न्यायिक जो न्यायपालिका के उसके पास ये शक्ति दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग ये उसको शक्ति दी गई है कि वो इस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, यदि वो ऐसा कानून बनाती है, कोई संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती है या फिर हमारे मूल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो न्यायपालिका के पास यह अधिकार है। ठीक है, तो यही बोल रहा है 13(2) में न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति, ठीक है, न्यायपालिका के बाद। इसके बाद 13(3) में दिया गया है विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द लॉ शब्द, ठीक है, लॉ शब्द। तो दोस्तों इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है 13(2) में। तो ये होगा दोस्तों हमारे 12 और 13, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। अब राज्य शब्द से क्या मतलब है दोस्तों? राज्य शब्द से केंद्र सरकार या फिर हमारी जो संसद है, ठीक है, इसके अलावा राज्य विधानमंडल या फिर स्थानीय निकाय या फिर पंचायत वगैरह, ठीक है, जो भी शासन व्यवस्था है हमारे भारत देश में, ठीक है, उसका मतलब है राज्य से है, ठीक है। इसके अलावा 13 अनुच्छेद में क्या दिया गया दोस्तों? 13 आर्टिकल में दो चीज़ दी गई, एक तो 13(2) में दिया गया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ठीक है, न्यायपालिका को दी गई है। इसके अलावा 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारे मेन जो अधिकार है, मूल अधिकार, वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है, समानता का अधिकार। तो दोस्तों आज सिर्फ समानता का अधिकार, तो आज हम ये जो समानता का अधिकार है 14 से 18 सिर्फ समानता का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 2-3 लेक्चर में ये ख़त्म करेंगे हम, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो दोस्तों जो समानता का अधिकार है, ठीक है, इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ दो शब्द देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है, एक शब्द यह है विधि के समक्ष समता, और एक है विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 14 है, इसमें ये दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब ये क्या चीज़ें क्या हैं, इन्हें हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों विधियों के समक्ष समता का मतलब क्या है, ठीक है। तो दोस्तों विधियों के समक्ष समता से मतलब ये है कि जो हमारा कानून है, ठीक है, हमारे भारत का कानून है, संविधान का कानून है, ठीक है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेम होगा, ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इसके अलावा चाहे वो कोई नेता हो या फिर अभिनेता हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओहदा क्या है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना वो पावरफुल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो विधि सबके लिए समान है, ठीक है, यदि किसी कोई मर्डर करता है तो यदि गरीब को 2 साल की सज़ा मिलेगी तो अमीर को भी 2 साल की सज़ा मिलेगी, नेता को 2 साल की सज़ा मिलेगी और अभिनेता को भी 2 साल की सज़ा मिलेगी। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि विधि या फिर कानून सबके लिए समान है, ठीक है, किसी से कोई इसको लेकर कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों है विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, अब ये क्या है? तो विधियों के समान संरक्षण से मतलब दोस्तों ये है कि आपको पता होगा सबसे, और दोस्तों ये विधि के समक्ष जो समता है ये ब्रिटेन से लिया है हमने, ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया है और ये हमने लिया है यूएसए से, ठीक है, विधियों के समान संरक्षण यूएसए से। तो अब ये विधियों के समान संरक्षण क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा भारत देश है, ठीक है, जब आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा असमानता थी, ठीक है, वर्तमान में भी है लेकिन उस टाइम पे और ज़्यादा थी असमानता, ठीक है। अभी असमानता क्या है? असमानता मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, मतलब ये जो गैप है, ये गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, ठीक है, तो ये असमानता से हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए, ठीक है, समाज इसी जो असमानता को दूर करने के लिए, ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या देखने को मिलता है, जो ST SC OBC हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ प्रावधान देखने को मिलेंगे, ठीक है, मुख्य समानता लाने के लिए। इसके अलावा मैटरनिटी लीव मिलती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चों को खाने की सुविधाएं दी जाती है, मिड डे मील वगैरह, ठीक है। तो ये इसी आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किए गए हैं, विधियों के समान संरक्षण, मतलब इसके अंतर्गत ये कहा गया है दोस्तों, ठीक है, कि आप पहले सबको समान कीजिए, एक समान कीजिए, जो ये असमानता व्याप्त है, ठीक है, इसे आप सेम कीजिए, इसे ख़त्म कीजिए। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 एक बार हम रिविजन करते हैं। पहला है दोस्तों विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता से मतलब क्या है, ठीक है, कि कानून होगा सबके लिए समान होगा, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इसके अलावा विधियों के समान संरक्षण से मतलब है, जो हमारे यहाँ असमानता है, ठीक है, असमानता है, इसे खत्म किया जाए, ठीक है, और जो लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उसके लिए, उनके लिए कानून बनाए जाएँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है आर्टिकल 15, ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल 15 कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो राज्य किसी की जाति, ठीक है, किसी का लिंग, ठीक है, या फिर जन्मस्थान, ठीक है, तो इस आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अब राज्य क्या है दोस्तों, तो राज्य की डेफिनेशन हमने देखी थी आर्टिकल 12 में, ठीक है, तो राज्य का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक और इसका आर्टिकल अंदर का 15(3), ठीक है, 15(3) बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 15(3), जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बात बोल दी गई कि जो लोग, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, अर्थात ST SC OBC वगैरह के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह मिलते हैं, तो वो चीज़ इसमें लिखी गई है कि इनके लिए राज्य प्रावधान बना सकता है, ठीक है। इसके बाद 15(4) में दोस्तों लिखा हुआ है शैक्षणिक आरक्षण, ठीक है, एजुकेशनल रिजर्वेशन, ठीक है, मतलब शैक्षणिक आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है, राज्य यदि चाहे, ठीक है, कि शैक्षणिक आरक्षण, मतलब यदि ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि, ठीक है, जैसे ये बात यहाँ पे लिखी हुई, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए शैक्षणिक आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये बात लिखी है 15(4) में। इसके बाद दोस्तों 15(6) आपने देखा होगा 2019 में, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, और EWS, ठीक है, जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था, तो उसके द्वारा इनको 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये इसमें 15(6) में जोड़ा गया, ठीक है, कि राज्य EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान बना सकता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड दो आर्टिकल जोड़े गए थे, करंट से जुड़ा मामला है तो ये एग्जाम में आ सकता है, एक तो 15(6) और एक 16(6), ठीक है। 15(6) में क्या बोला गया कि राज्य प्रावधान बना सकता है, ठीक है, EWS के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, और 16(6) में इनको 10% आरक्षण की बात करता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आर्टिकल 15। इसके बाद है अगला आर्टिकल, तो अगला है आर्टिकल 16, ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में, ठीक है, अवसर की समानता। अब ये लोक नियोजन क्या है, तो दोस्तों लोक नियोजन मतलब जो हम तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी वगैरह की, ठीक है, वही है लोक नियोजन। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अपवाद है, ठीक है, अपवाद है SC ST और OBC, क्योंकि SC OBC के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है, आरक्षण की, ठीक है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 60 में तो वो बोल रहा है कि अवसर की समानता होगी, ठीक है, सबको समान अवसर मिलेंगे, ठीक है, परंतु इसी के अंतर्गत उन्होंने रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया है। तो अब आगे देख लेते हैं, तो 16(4) में दोस्तों कहा गया कुछ विशेष वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था, अर्थात जो हमारी सरकारी नौकरी वगैरह है, ठीक है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की बात कर रहा है आर्टिकल 16(4), ठीक है। तो ST SC OBC के लिए लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है आर्टिकल 64। तो 16(6) में क्या दिया दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ठीक है, आर्टिकल 15(6) में क्या बोला था दोस्तों, ठीक है, कि राज्य
EWS या फिर सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब विशेष प्रावधान बना सकता है, ठीक है, विशेष प्रावधान बना सकता है। ये 15/6 में कहा गया था। और 16/6 में क्या कह दिया दोस्तों, 16/6 में बोल दिया दोस्तों कि 10% आरक्षण की बात कर दी, ठीक है। तो 16/6 ये दो आर्टिकल जोड़े गए थे दोस्तों, ठीक है, जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, 2019 में, ठीक है। इसके द्वारा दो प्रावधान जोड़े गए, ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, 15/6 और 16/6। 15/6 में बोलता है कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए कोई विशेष प्रावधान राज्य बना सकता है। इसके अलावा 16/6 में 10% आरक्षण की बात करता है। इसके बाद दोस्तों अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 70 बोलता है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, तथा इससे उपजी निर्योग्यता के लिए दंड का प्रावधान, ठीक है। एक तो ये बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, कि जो राज्य है वो अस्पृश्यता का अंत करे, ठीक है, अस्पृश्यता इसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, का अंत करे तथा इससे उपजी निर्योग्यता के लिए दंड का प्रावधान भी करे। अर्थात, ठीक है दोस्तों, राज्य है जो राज्य अस्पृश्यता से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी नियम कानून या फिर एक्ट बना सकता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1955 का। तो ये जो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ा हुआ है। और दोस्तों अस्पृश्यता मतलब होता है, मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, छुआछूत, जो खासकर आपने देखा हुआ है SC ST वगैरह के साथ होता है, ठीक है, भेदभाव, ठीक है, छुआछूत वगैरह, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसके अंत दो चीज़ कही, एक तो अंत करे राज्य इसका, ठीक है, और इसके लिए यदि कुछ ऐसा होता है तो दंड का प्रावधान भी करे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का मतलब जो आपने देखा होगा पहले हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो राजा महाराजा उपाधि ले लेते थे, राजा की उपाधि, ऐसी बहुत सारी उपाधि ले लेते थे। तो आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत किया जाएगा, ठीक है, तथा सेना व शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। एक तो उपाधियों का अंत किया जाएगा, मतलब कोई भी इंसान उपाधि धारण नहीं करता। पहले आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जो राजा महाराजा थे वो कहीं राजा की राजा की उपाधि धारण कर लेते थे, कहीं महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर लेते, ऐसी कई उपाधि धारण कर लेते थे, ठीक है। तो आर्टिकल 18 यही कहता है कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा सिवाय सेना के, जो आप देखते हैं परमवीर चक्र वगैरह मिलता है, वीर चक्र वगैरह मिलता है, तो सेना की उपाधि और शिक्षा की उपाधि, ठीक है, सेना और शिक्षा की उपाधि के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। सिर्फ ये दो उपाधियों का जिक्र है। और इसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, यदि कोई विदेश से कोई नागरिक कोई उपाधि लेता है, ठीक है, तो उसे जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति लेनी होगी, ठीक है। तो ये बात भी इसके अंतर्गत कही गई है। तो ये दोस्तों था आज का हमारा समानता का अधिकार हमने पढ़ा, ठीक है, 14 से लेके 18 तक, ठीक है, समानता का अधिकार हुआ। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा 2-3 लेक्चर लगेंगे। मौलिक अधिकार हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था आर्टिकल 12, ठीक है, 12 से 35 हमने देखा था कि मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 में दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में दोस्तों हमने देखा था राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक तो केंद्र सरकार हो गया, एक तो राज्य सरकार हो गया। केंद्र सरकार के अंतर्गत संसद हो गया, राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य विधानमंडल हो गया, और स्थानीय निकाय या फिर जैसे ग्राम पंचायत हो गई, नगरीय निकाय वगैरह, तो ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था आर्टिकल 13 में दोस्तों हमने दो बातें देखी गई थी, एक तो 13(3) हमने देखा था, ठीक है, और 13(2) देखा था और एक 13(3) देखा था। ये दो डेफिनेशन देखी थी। तो 13(2) में क्या है दोस्तों, 13(2) में था न्यायिक पुनः अवलोकन, ठीक है, न्यायपालिका की न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति, ठीक है। यदि संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है या फिर हमारे स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर देगी, ठीक है। इसके अलावा 13(3) में क्या है दोस्तों, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, या फिर लॉ वर्ड जो है उसे परिभाषित किया गया है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14, ठीक है। 14 में दोस्तों हमने दो चीज़ें देखी थी, एक विधि के समक्ष समता, ठीक है, और एक था विधियों का समान संरक्षण,
विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समता में दोस्तों हमने क्या देखा था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, सबके लिए कानून समान होगा। ठीक है, इसके अलावा विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या था दोस्तों? इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, कि जो हमारे यहाँ पे असमानता फैली हुई है, ठीक है, कि बहुत सारा पैसा बहुत कम लोगों के पास है और अधिकतर लोग गरीब हैं, ठीक है, तो ये जो गैप है इसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है, और ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमने देखा था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंतर्गत दोस्तों हमने तीन आर्टिकल देखे थे, ठीक है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत हमने तीन आर्टिकल देखे थे। इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों? धर्म मूलवंश, जाति धर्म मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 15 के में तीन में हमने देखा था दोस्तों, 15-3 में दोस्तों हमने देखा था ST SC OBC, ठीक है, जो ST ST OBC हैं, ठीक है, इनके लिए विशेष प्रावधान बना सकती है सरकार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 15-4 था, ठीक है, इसमें शैक्षणिक आरक्षण की बात कर की गई है, शैक्षणिक आरक्षण, राज्य चाहे तो शैक्षणिक आरक्षण दे सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने 15-6 देखा था, ठीक है, तो EWS के लिए सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है, तो ये हमने देखा था आर्टिकल 15। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 16 हमने देखा, 16 में क्या, सबसे पहले लोक नियोजन की बात करती है, जो सरकारी नौकरी होती है उसमें अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, अपवाद ST SC OBC है। इसके बाद 16-4 में हमने देखा कुछ विशेष वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण, ST SC OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, और 16-6 में EWS के लिए 10% आरक्षण। देखिए दोस्तों, जो 15 के हमने पढ़े थे, ठीक है, 15 के उसमें प्रावधान की बात की गई है, लेकिन इसमें आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि सरकार प्रावधान बना सकती है, और इसमें ये कहा गया आरक्षण की बात कर दी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद दोस्तों 17 की बात हमने कर दी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत वगैरह की जो बात करते हैं हम SC, खासकर SC के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो उसका अंत किया जाना, तथा उससे उपजी निर्योग्यता के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसी के अंतर्गत बनाया गया है 1955 का। इसके बाद आर्टिकल 18 में दिया गया दोस्तों, उपाधियों का अंत किया जाएगा। ठीक है, सेना और शिक्षा के अलावा, सिर्फ सेना उपाधि दे सकती है, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाधि कोई धारण नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि धारण करता है तो उसे राष्ट्रपति की इजाज़त लेनी होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, मौलिक अधिकार का। हमने आर्टिकल 12 से लेकर, ठीक है, 18 तक बात कर ली है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, 3 लेक्चर लगभग लग जाएंगे मौलिक अधिकार में। ठीक है, कि हम अच्छे से क्लियर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, जब भी हमारा न्यू लेक्चर आता है तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।